नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर फ्रॉम हैदराबाद टेक्निकल एनालिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस ट्रेडिंग ट्रिक्स। आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है एक कैंडल के बारे में। वो उसको मदर कैंडल बोलते हैं और मास्टर कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है मार्केट में। सो मैं मदर कैंडल बोल के मैं बोल रहा हूँ। सो ये मदर कैंडल कैसे काम करेगा मार्केट में, उसके साथ हम प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसा बन सकते हैं और ट्रेड भी कैसे कर सकते हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यह सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बिसाइड एक बेल आइकॉन आएगा वो भी दबा के नोटिफिकेशन अनेबल कर लो, फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस नहीं होते आपको। बहुत दिन हो गए हिंदी वीडियो देने का, इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। मेरा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा कन्फ्यूजिंग में रहता क्योंकि मैं हिंदी नहीं सीख। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक मदर कैंडल के बारे में। सो मदर कैंडल में पहले हम लोग एक कैंडल देखना है, वो कैंडल ग्रीन में रहने दो या रेड में रहने दो। ग्रीन बोले तो बुलिश कैंडल है या रेड में बोले तो बेरिश कैंडल है। सो कैसे भी वो होना है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। खाली हम लोग देखना है एक कैंडल देखना है, एक बड़ा कैंडल, वो हमारा मदर कैंडल है। ठीक है, इसके अंदर मिनिमम एक दो कैंडल चाइल्ड जैसा दो कैंडल्स बनना है, राइट। ऐसा बनना है। सो दिस इज ये इसको मदर कैंडल बोलते हैं, राइट। इसको मदर कैंडल बोलते हैं, इसके अंदर दो कैंडल आना है, जरूरी है, मिनिमम दो कैंडल आना है। अभी ओवरऑल क्या है, अभी एक रेंज बन गया हमारे पास, राइट। दिस वे ऐसा हमको एक कैंडल, बड़ा कैंडल देखना है, उसके बाद हम एक छोटा कैंडल्स इसके अंदर रहना है। इसका रेंज पहले का जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल के रेंज में दो कैंडल आना है। आने के बाद हम लोग ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। ये मदर कैंडल है ना, मदर कैंडल लो ब्रेक किया तो सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है, राइट। सेल करने के बाद मदर कैंडल का हाई और स्टॉप लॉस, मगर ये कहाँ चलेगा कैसा, क्योंकि आप बाई अगर ट्रिगर हुआ तो बाई करना है या लो ट्रिगर हुआ तो सेल करना है। सो रिवर्सल लेवल अंदर लेवल जो है वो स्टॉप लॉस रहता। सो ऐसा हम आप ये मोस्टली आप मेजर टाइम फ्रेम में देखना है। मेजर टाइम फ्रेम मीन्स डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में। सो इंट्राडे में 10 मिनट्स में, 15 मिनट में या 5 मिनट में देखे तो इतना रिजल्ट्स नहीं आएगा आपको, मगर मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप चेक करना है, इंट्राडे में भी चेक करना है, दूसरा कमोडिटी में किसी में भी आप चेक करना चाहिए तो आप खुद ही एनालिसिस करके, आप खुद ही चेक करके एवरेज आप बैक टेस्ट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट ऐसा मिल रहा है वो आप नेक्स्ट रियल ट्रेड में आप वो अंदाजा से आप ट्रेड ले सकते हैं। मगर हायर टाइप फ्रेम में डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा है, मगर ध्यान में सुनना है लास्ट तक ये वीडियो, लास्ट तक या मदर कैंडल बनने के बाद हम कहाँ ट्रेड करना है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ। सो ये मदर कैंडल बनने के बाद आप ग्रीन में होने दो या रेड में होने दो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द चांसेस यहाँ अगर यहाँ रेड कैंडल बन गया समझो, जब दो कैंडल ग्रीन में रहे तो बेस्ट रिजल्ट्स आएगा। ठीक है, अगर मदर कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गया समझो, ओके ग्रीन में क्लोज हो गया समझो, जब छोटा कैंडल्स है ना वो रेड में क्लोज हुआ तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको मदर कैंडल रेड में क्लोज हुआ तो दो कैंडल रिवर्सल में क्लोज होना, रिवर्सल मीन्स अगर ग्रीन में क्लोज हुआ तो ये दो कैंडल रेड में क्लोज होना, अगर मदर कैंडल रेड में क्लोज हुआ तो बेरिश में क्लोज हुआ तो दो कैंडल बुलिश में क्लोज होना। ठीक है,
अगर हम लोग पहचान किया समझो मार्केट में जब हम लोग ट्रेड लेना है, ठीक है, मगर ये कैसा आप एग्जैक्टली यूटिलाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है मार्केट में, मगर वो टाइम में आप यूज किया तो आपको प्रॉफिट आने के चांसेस है, वो ध्यान में रखना है। एवरी टाइम अगर ऐसा इंगल्फिंग आ गया, नहीं तो बुलिश इंगल्फिंग, बेरिंग शूटिंग स्टार, कोई भी मार्केट में कोई भी कंडीशन में आ जाएगा, मगर एवरी कंडीशन आपको सक्सेस नहीं होता, ठीक है। सक्सेस कब होता वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मदर कैंडल आप देखने के बाद, मदर कैंडल हाई लो आपका वो प्राइसिंग लेवल्स आपका रेफरेंस लेवल्स है ट्रेड करने का, वो ध्यान में रखना है। मगर आप एवरी ट्रेड अभी मदर कैंडल वन डे टाइम फ्रेम में देखने के बाद आप इंट्राडे में ट्रेड अगर ब्रेकआउट हो गया सो ये कंप्लीटली बुलिश में जाएगा ऐसा कभी भी मत सोचो। ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा दैट इज़ ओनली प्रॉबिबिलिटी, सो दैट इज़ नॉट 100%, मगर यह लास्ट डेफिनेटली आएगा मार्केट में। इसलिए आप एवरी ट्रेड में आपका मनी मैनेजमेंट आपका एनालिसिस के साथ ट्रेड किया तो डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल प्रॉफिट में आने के लिए बहुत चांसेस है, ठीक है। अभी हम मैं बता रहा हूँ आपको ये मदर कैंडल कौन सा स्टेजेस में हम लोग देखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक डेली टाइम फ्रेम, एक 1 ईयर का चार्ट या 6 मंथ्स का चार्ट लगाए समझो। सो 6 मंथ्स में एक हाई लेवल में अगर ऐसा मदर कैंडल बन गया समझो, जब आप सेल करना है, ठीक है, एक मदर कैंडल एक 6 मंथ्स का हाई या 3 मंथ्स का हाई, नहीं तो एक 1 मंथ का हाई, ऐसा एक हाई लेवल में अगर 3 कैंडल फॉर्मेशन अगर ऐसा हमको मिल गया तो आप सेल करना है, नहीं तो आप एक एक 3 मंथ्स टाइम फ्रेम में, 3 मंथ्स टाइम फ्रेम में या 6 मंथ्स टाइम फ्रेम में ऐसा 3 कैंडल्स मदर कैंडल और दो चाइल्ड कैंडल्स है, ठीक है, मदर कैंडल दो चाइल्ड कैंडल्स ऐसा बन गया तो लो लेवल में 3 मंथ्स लो या 6 मंथ्स लो में आप बाई करने के लिए सोचना है, और 3 मंथ्स हाई या 1 ईयर हाई या 6 मंथ्स हाई वो टाइम में आप सेल के लिए सोचना है, ठीक है। सो 6 मंथ्स हाई बोले तो आज आप देख रहे हैं समझो, आज 6 मंथ्स हाई में जब क्या करना है आपको, कौन सा स्टॉक 6 मंथ्स हाई के पास है, कौन सा स्टॉक 6 मंथ्स लो के पास है वो देखना है, या 3 मंथ्स के है वो टाइम में। अगर ये मदर कैंडल अभी देखो आज ये कैंडल बन गया समझो, सो और 2 दिन आप वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद आप इसमें ट्रेड सेटअप ले सकते हैं, आपका मनी मैनेजमेंट आपका रिस्क रिवार्ड रेश के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल कैसा है परफॉर्मेंस इसका एक बार चेक करेंगे। JSW स्टील में मैं चार्ट यहाँ 6 मंथ्स लगाया डेली टाइम फ्रेम में, सो एक एक कैंडल एक टाइम एक एक कैंडल एक दिन का है, सो यहाँ चेक किया तो ऐसा मैं बनाया ना, इसमें ये मदर कैंडल है, ठीक है। देखो ये मदर कैंडल है, ये दो छोटा कैंडल्स है, राइट। सो इसके नीचे हम लोग सेल करना है, इसका हाई के पास हम लोग स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। सो ऐसा हम लोग क्योंकि यहाँ सेल क्यों हम लोग सोच रहे, मार्केट एक 6 मंथ्स हाई, सो इसका पहले हाई ये 6 मंथ्स का हाई लेवल है, सो 6 मंथ्स का हाई लेवल के पास हमको ऐसा मदर कैंडल बन गया। मदर कैंडल बनने के बाद दो दिन छोटा कैंडल्स बन गया, ठीक है, चाइल्ड कैंडल्स बने हैं। इसके बाद हम लोग सेल करना है, सेल किया तो मार्केट इतना बहुत ज़्यादा गिरा बोल के ऐसे कभी भी मत सोचना है, मगर आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही आप ट्रेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार चेक करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, यह लो लेवल में आया, देखो ये 6 मंथ्स लो है, क्योंकि 6 मंथ्स टाइम पीरियड रखा था मैं, सो 6 मंथ्स लो में ये हमारा मदर कैंडल है, ये दो छोटा कैंडल्स है, सो इसके बाद हमको क्या मिला, यह हाई अबो बाई करना है हम लोग। ये कैंडल मदर कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, सो लो लेवल में आया तो हम लोग बाई कर रहे, कब कर रहे, अभी देखो यह फ़रवरी मंथ के पहले जनवरी दिसंबर नवंबर, सो 3 मंथ्स का लो लेवल है, ठीक है। लो लेवल के बाद हमको मदर कैंडल फॉर्मेशन हो गया और हमको बाई भी ट्रिगर हुआ यहाँ, ठीक है।
ओवरऑल आपको पोजिशनल ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है इसमें। सो ये मदर कैंडल आप डेली टाइम फ्रेम में देख के 5 मिनट में ट्रेड, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ऐसा कभी भी मत सोचो, ठीक है। वेरिएशंस ज़्यादा रहता है। सो जब आप यूज़ करना है वो फॉर्मेशन, वो कैंडलस्टिक पैटर्न वही टाइम में यूज़ किया तो आपको प्रॉफिट, मार्केट से पैसा निकालने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिलायंस में देखेंगे। रिलायंस देखो 6 मंथ्स, टोटल 6 मंथ्स है में एक मदर कैंडल बन गया है। ये मदर कैंडल है, उसका 2 चाइल्ड कैंडल्स है। सो अभी क्या हुआ, लो ट्रिगर हुआ। सो लो ट्रिगर हुआ तो शॉर्ट सेल करना है, हाई आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप चेक किया तो एक 6 मंथ्स हाई लेवल में एक मदर कैंडल बना और दो चाइल्ड कैंडल्स बन गया। सो दिस इज ओवरऑल मदर कैंडल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट टाटा स्टील में हमको 2 बार मिला था एक्चुअली। यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व किया तो यह 6 मंथ्स लो है, सॉरी 6 मंथ्स हाई लेवल। सो 6 मंथ्स हाई लेवल के नियर बाय एक मदर कैंडल बन गया, 2 छोटा कैंडल बन गया। सो इसके नीचे सेल किया ना, सॉरी सेल करना, हाई स्टॉप लॉस है। इसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा दिन होने के बाद एक लो लेवल, ये 6 मंथ्स लो लेवल है। लो लेवल में हमको क्या मिला, 2 चाइल्ड कैंडल मिला, एक मदर कैंडल बन गया। सो रिस्क रिवार्ड आपका अंदर है तो आप ट्रेड सेटअप ले सकते हैं, अदरवाइज डोंट ट्रेड। क्योंकि एवरी टाइम आप ट्रेड करने के लिए मत सोचना है। कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके, कोई स्ट्रैटेजी यूज करके आप स्ट्रैटेजी बाई दिया तो मार्केट कंप्लीट ऊपर जाएगा बोल के कभी भी मत सोचना है। मगर आराम से रूल्स आप ध्यान में रखना है ट्रेड करने के। हायर टाइम फ्रेम में मीनिंग 4 आवर्स कैंडल या 1 आवर कैंडल, सॉरी 4 आवर्स कैंडल या 1 डे कैंडल, 1 वीक कैंडल, 1 मंथ कैंडल। सो कितना आप ज़्यादा टाइम फ्रेम रखे तो उतना रिस्क भी बढ़ जाएगा, वो भी ध्यान में रखना है आपको। मगर ओवरऑल में इसमें आपको एक लो लेवल में मदर कैंडल का कैंडलस्टिक पैटर्न देख लो और एक हाई लेवल में कैंडलस्टिक पैटर्न देख के सेल करने के लिए सोचना है और लो लेवल में बाय करने के सोचना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको नीचे एक लाइक बटन है, थम्स अप बटन, उसको क्लिक करो। इसके बाद आप शेयर करो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में और आपका रिलेटेड कोई ट्रेडर्स जो फेसबुक में या ट्विटर में किसी में भी आपका फ्रेंड्स है तो उसको शेयर करो। सो ज़्यादा लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल मालूम पड़ेगा और हमारा मुझको भी सपोर्ट ज़्यादा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड डे।